सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, ये जो वीडियो है ना, ये गाइस बहुत ही कमाल धमाल होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक बबल मशीन। जी हाँ गाइस, क्या बात है। और गाइस यार, ये जो बबल मशीन है ना गाइस, ये गाइस काफी ज्यादा बड़े बड़े ना बबल को बनाती है, ठीक है। तो गाइस ये चलो यार, बिना देरी किए हम इस बबल मशीन को बनाते हैं। तो गाइस हमारे इस वाले ऑटोमेटिक बबल मशीन को बनाने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक कार्डबोर्ड का प्लेटफॉर्म ले लिया, और गाइस यार उसके बाद से मैंने लिया है ये बॉटल। और गाइस यार इस बॉटल को ना मैंने नेक के ऊपर का कट कर लिया है। तो गाइस यार सबसे पहले ये जो बॉटल का जो कैप है ना गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे आपको चिपका देना है। तो गाइस यार इसको चिपकाने के बाद अब आपको लेना है कई सारे कार्डबोर्ड के लेयर, जैसा कि आप देख रहे हो गाइस। और गाइस यार इसको ना आपको सिंपली यहाँ पे आपको चिपका देना है। और गाइस यार उसके बाद से आपको सिंपली ना एक कार्डबोर्ड पे ना गाइस आपको सिंपली कुछ इस तरीके का ड्रॉ कर लेना है। और गाइस यार इसका जो रेडियस है ना वो है गाइस 2.5 सेंटीमीटर, और गाइस यार इसका जो सेमी रेडियस है ना गाइस वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और गाइस यार उसको कट कर लेना है। और गाइस यार कट करने के बाद आपको सिंपली इसे फ्रंट में मोड़ लेना है। और गाइस छेद करने के बाद आपको एक मोटर लेना है, और गाइस यार इस मोटर को ना अंदर आपको फंसा देना है। तो गाइस यार फिट करने के बाद इस मोटर को ना यहाँ पे आपको चिपका देना है। और गाइस यार उसके बाद से आपको किसी भी बैटरी की मदद से गाइस आपको इसे पावर देनी है। और गाइस यार उसके बाद से आपको एक स्विच लेकर यहाँ पे आपको चिपका देना है। तो गाइस यार अभी हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस यार चलो यार इसको टेस्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हो गाइस हमारे ये जो मशीन है गाइस एकदम काफ़ी एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। हमारा ये जो बबल है ना गाइस एकदम काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एकदम मतलब पूछो ही मतलब खूब ज़्यादा बड़े बड़े ये फुला रहा है। और गाइस यार इसको बाद से मैंने एकदम इस मशीन को ना एकदम अपने सॉल्यूशन में ही इसको डाल दिया। आप देख सकते हो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एंड डू लाइक और सब्सक्राइब। बाय।